हमारा वक्त इतना अधिक बेहोशी में बीतता है कि हम सोचते ही नहीं हैं ये जो रूटीन चल रही है ना सुबह से शाम की इस रूटीन को पूरा करने में बिजी है इतना वक्त ही नहीं कि कुछ और सोच सके और वक्त बीतता जाता है बीतता जाता है बीतता जाता है और एक दिन पता चलता है अरे आपका सेवेंटी फिफ्थ हैप्पी बर्थडे हो रहा है अब जब जवानी है तब नोट कमाता है सोचते बढ़ापे में स्मरण करेंगे जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट गुरु माँ जी वी आर कमिंग टू योर आश्रम आई ओके आई एम टू वेटिंग फॉर दैट टाइम दैट गुड टाइम वेन यूल फाइनली कम वंस द रिटायरमेंट ओ आप आए नहीं वो जी घर अकेला छोड़ के कैसे आए घर कहां भाग जाएगा घर तो वहीं रहेगा पर तुम्हारी उम्र जरूर भाग रही ईच डे एंड्स इन द इवनिंग एंड एक्चुअली दैट इज द डेथ ऑफ योर डे हमारे संतों ने यह बात कही कि एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास सुमिरन करे और दूसरा उन्होंने कहा कि शाम के समय पर अभ्यास जरूर करे सुबह इसलिए कि दिन की शुरुआत हो रही अच्छी तरह से शुरुआत करो कल कले स्तन महे मिटावो मन की कलह कलेश और दुख को मिटाओ कैसे सुमिरन करो तो सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ फिर दिन बीत गया अब क्या करें शाम हो गई अब क्या करें कह रहे इसके पहले कि रात आ जाए फिर से सुमिरन करो इफ नॉट मच देफ्टीन मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड फिफ्टीन मिनट्स इन दिनिंग था इफ नॉट मच एटलीस्ट हाफ एन आवर गिव टू योर सेल्फ उन पंद्रह मिनट में आप अपने मन को खाली करो आप प्राणायाम करो आप प्राणायाम से मन को स्थिरता में लाने का प्रयास करो जैसे अगर आप मुंह में हवा भर लें तो फिर आप बोल नहीं सकते क्या क्या विचार है और मे भी यू कैन यू कैन ट्राई दैट फिल एयर यू फिल योर माउथ विद एयर मेक अ बलून एंड देन टॉक कैन यू डू दैट करके देख लो ऐसी क्या बात हो गई ना अगर मुंह में हवा भरी है तो आप बोल नहीं सकते बोलेंगे तो हवा निकल जाएगी ऐसे ही जब आप गहरा श्वास उच्छ्वास लेते हैं श्वास मतलब वेन यू इनहेल एंड उच्छ्वास मतलब वेन यू एक्सेल वेन यू डीपली इनहेल एंड वेन यू डीपली एक्सेल इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज ब्रीदिंग बट इफ यू डू दिस जस्ट बाय डूंग दिस मच अलोन याइंड वोंट हैनी स्पेस टू थिंक एनी थिंग एल्स ट्राई टू नाउ वाइल बींग हीर एक लीजिए सांस आ खुले रखें बिना शक एक लंबी सांस लीजिए कि आपकी छाती फैले और पेट फूले कुर्सी पे जो बैठे ना वो पीठ थोड़ा कुर्सी से हटानी पड़ेगी उनको बिकॉज इफ यू सिट लाइक दिस विद योर बैक प्रेस्ड अगेंस्ट द चेयर सीट देन देर इज नो स्पेस फॉर द लंग्स टू एक्सपेंड सो मूव योर बैक अवे फ्रॉम द सीट स्पाइनल कॉलम इरेक्ट एंड टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ एक्सेल नाउ मेक इट साइलेंट नो साउंड सांस जो है ना वो बिना आवाज के होनी चाहिए ये जो हम लेते हैं सांस नॉट गुड इट्स नॉट गुड फॉर द सिस्टम बी वेरी जेंटल सांस को गहरी करना है लंबी करना है पर आवाज ना हो मेक योर ब्रेथ लॉन्ग मेक योर ब्रेथ साइलेंट मेक योर ब्रेथ जर्क फ्री कीप यर अ टेंशन ऑन य के छेदों से जहां से हवा अंदर जा रही ना पूरा ध्यान यहीं पर रखें फील द टच ऑफ द एयर वेन द एयर गोज इन फील देंशन ऑफ चेस्ट एंड योर स्टमिक वेन द ब्रेथ गोज इन एंड फील दूवमेंट इन योर चेस्ट एंड स्टमिक वेन यू एक्सेल श्वास जब अंदर जाए तो उसको नाक पर छाती पर पेट में महसूस करो श्वास को गहरी भरो गहरी छोड़ो इनहेलिंग इन डीप इन लिंग दीप कैन यू फील द मूवमेंट इन द स्टमक एरिया इफ नॉट देन कीप योर राइट हैंड ऑन द नेवल ना समझ आती हो तो अपने दाहिने हाथ को अपनी नाभि पे रख लो गहरा श्वास भरो और पेट का फूलना और पेट का अंदर जाना दोनों महसूस होने लग जाएगा अब गहरा श्वास लेते जाएं गहरा श्वास छोड़ते जाएं तो श्वास पर ध्यान जब अच्छे से टिकने लग जाए फिर इसी श्वास में आप मंत्र को ले आइए ओम तो यूनिवर्सल मंत्र है कोई भी कर सकता है उसके लिए किसी गुरु से पूछने की भी जरूरत नहीं है श्वास अंदर जा रही है मन ही में ओ श्वास बाहर जाए मन में ओ श्वास अंदर जाए मन में चले हो श्वास बाहर जाए तो मन ही मन फिर से मंत्र का उच्चारण करना जब हम इस तरह करने लग जाएंगे तो यह हो जाएगा जब बार बार एक ही मंत्र को दोहराना इसको हम कहते जप। फिर करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि मंत्र और मन एक हो जाएंगे तो करना नहीं पड़ेगा मन शांत और इस मंत्र की खुशबू जो है वो आपके अंदर फैल जाती है फिर याद करना नहीं पड़ता याद आती है याद करना नहीं पड़ेगा याद आने लग जाएगी तो गुरुदेव कहते हैं सिमरन करो और सिमरन करते करते अपने कला को कलेश को सबको सबको तुम मिटा दोगे अब कहते किस को सिमिरन करें सिमरों के विशंभर विष्णु का एक नाम है विसम्भर जो विश्व में सब जगह है विश्वमर द वन हु एग्जिस्ट इन दिस होली इन दिस होली यूनिवर्स वन नेम विशंभर बोले उस विशंभर को स्मरण करो और नाम जपत अगणत अनेक किसी ने पूछा जी कितनी देर सुमिरन करे वो कहते थे अनगिनत अगणत मींस डोंट काउंट डोंट सिट एंड काउंट ओ आई हैव डन माय टू माला नाउ इट्स माय टाइम टू गो इन टू वर्ल्डी अफेयर अनगिनत मार करो अब आप कहोगे जी अनगिनत मार कैसे कर सकते हैं ऐसे ही जैसे तुम्हें हमेशा ये याद रहता है कि तुम्हारा नाम क्या है कि भूल जाते हो याद रहते भूल जाते हो अच्छा दिन में कितनी बार बैठ के याद करते हो मेरा नाम सुखमनी है मेरा नाम सुखमनी है मेरा नाम नीलम है मेरा नाम नीलम है याद करना पड़ता है क्या You You know it, right? You don't have to to sit down to practice what your name is. You know it and you remember it. इस तरह से जिस दिन परमात्मा की याद तुम्हारे अंदर बैठ गई फिर बैठ के अलग से याद करना नहीं पड़ेगा फिर तो याद चल रही है एक बात सुनाती हूँ आपको एक बार कबीर साहब के जो गुरु थे स्वामी रामानंद वो काशी से बाहर जाने वाले थे तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले कबीर जी पास बैठे थे छोटे थे अभी नौ दस साल के हैं कबीर तो स्वामी रामानंद ने कहा कबीर तो मुझे याद करोगे हम जा रहे हैं क्या तुम तो मुझे याद करोगे कबीर कहते गुरुदेव नहीं मैं आपको याद नहीं करूंगा तो स्वामी रामानंद हैरान के पूछते हैं तुम तो मुझे याद भी नहीं करोगे हम जा रहे हैं तो कबीर कहते गुरुदेव मैं आपको भूलूंगा तो मैं आपको याद करूंगा जब मैं आपको भूलूंगा ही नहीं तो फिर कैसे कहूं कि मैं याद करूंगा आप तो मेरे अंदर बसते हो याद करने के लिए पहले भूलना जरूरी है इफ आई फॉरगेट देन आई हैव टू रिमेंबर ओह वट वॉज दैट बट इफ आई एम ऑलवेज इन ऑफ यू देर इज नो नॉट शांस दाइल फॉर गेट इफ आई विल नॉट फॉरगेट यू हाउ विल आई रिमेंबर यू मैं नहीं याद करूंगा आप कभी रहना उल्टा ही जवाब देते सीधे तो देते नहीं हैं जैसे पुराने समय में औरतें घरों में होती थी पति कई बार अपने बिजनेस के लिए दूर चले जाते थे प्रदेश चले जाते थे प्रदेश मने फॉरन फॉरन चले जाते थे तो वह आपस में बैठ करके के ऐसे बड़े सारे लोक गीत हैं जिसमें वो कहती है रंगरेज को रंगरेज मतलब द डायर and she goes and says colour my dupatta in my husband's favourite colour I will wear that colour which my husband loves and that is how I will keep the memory of my husband close to my heart so I want to wear those colours which are favourite to him so that उस रंग में रंगवा लेती है जो उसके पति को प्यारा है या जिस रंग की पगड़ी वो पहनता है एंड यू नो एट वन टाइम ऑल मेल्स टू यूज टू वेयर अ टर्बन गुजरात इवन इवन नाउ इन काठियावाड़ी इफ यू गो इन दैट एरिया पीपल स्टिल वेयर द एंड वेरी प्राउडली राजस्थान द स्टिल ओल्ड थिंग या सिक्स डू वेयर बट इवन हिंदूज द राजपूत द जाट दे वुड इट एंड वेरी प्राउडली दे वुर इट तो पत्नी जो है या प्रेमिका जो है वो कहती थी कि उस रंग में रंग दो ये गुलाबी रंग में रंग दो क्योंकि मेरे पति ने बोलती नहीं थी वो कहती थी गुलाबी रंग में रंग दो कोई पूछे सखी कि क्यों गुलाबी रंग में क्यों बोले वो उसने पहन रखा है ना तो वही मैं पहनूंगी तो दिल से दिल कैसे जुड़ा है कि रंग भी वही चाहिए उसको इसको हम कहेंगे अनगिनत बार वो अपने पति को याद कर रही जैसे एक मां शॉपिंग को चली जाए गई है कुछ और सामान खरीदने लेकिन वहां एक सुंदर सा टेडी बेयर दिख गया वो खरीद लेती क्यों बच्चे की याद उसके दिल में है खिलौने को देखते ही उसको अपना बच्चा याद आ जाता है बच्चा याद आया या बच्चे की याद जोर से और आ जाती याद तो पहले से ही वो भूल थोड़ी गई अपने बच्चे को बट दैट टॉय गिव्स अर अ रिमाइंडर दैट योर चाइल्ड इज सिटिंग एट होम सो शी बाइज अ नदर एंड दैट्स हाउ द मदर एंड आर बाइंग सो मेनी टॉयज दैट एंड ऑफ द डे द रूम इज़ फिल्ड विद टॉयज एंड देर नो स्पेस फॉर द चाइल्ड टू स्लीप ऑन द बेड बिकॉज इज टेडी बेयर एंड एवरी थिंग इज देयर यू नो नो प्लेस फॉर द चाइल्ड टू सिट ऑन पुश ऑल द टॉयज ऑफ द बेड टू स्लीप देन ऑन द बेड इन द डे टाइम वो कहते याद करो स्मिरन करो कैसे कहले अनगिनत बार अनगिनत बार आप सांस गिन के लेते हो हैं कि चलो जी सौ ले ली अब बस करते हैं आप सांसें ले रहे हो दिन में कितने बार तो परमात्मा की याद कितने बार आनी चाहिए फिर किसी ने कहा हम हम नहीं कर पाते याद उसको क्या करें अरे करना क्या है जिन गलत जगह में मन को फंसा के रखा हुआ वहां वहां से मन को निकालो पर चक्कर ये है अभी यह जहरीला संसार ही तुम्हें प्यारा है बड़ा अच्छा लगता है भोग अच्छा लगता है अभी योग अच्छा नहीं लगता है भोगी मन को योगी गुरु की याद कहां से आएगी जिसको भोग अब प्यारा नहीं रहा वही तो किसी योगी को याद करेगा नहीं तो क्यों याद करेगा ये एक प्रश्न है एल डी कोरपाल फ्रॉम ऑस्ट्रली कौन है आई रियली फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट My mind is like a grasshopper jumping from one thought to another. Please help. How can I meditate? See, I've already done that. Right? Keep your body still, keep your spinal column erect, and focus on the deep breathing first. This would be the first step. Then, as your mind will get calmed down with this beautiful breathing exercise. Then you are ready to move on and move into the zone of either doing the mantra or just silently watching the deep breathing. When you say my mind is hopping like a grasshopper, then I would suggest this only one thing which you can do is at that time use the sword of knowledge and contemplate on this thought. is this worldly material object samsara important or is it important that i wake up from this lustful wishing of material world? how long can i waste my life like this? the wake up call has to come from within. मुझे एक बात याद आती है एक बार एक नए नए साधु ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बैठता हूं जब अभ्यास के लिए तो मन मेरा बड़ा भागता है मैं क्या करूं ये बद्रीनाथ में रहते थे बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी है जो बहुत वेग से बहती है इट्स वेरी फ्रोशियस रिवर इट्स लाइक अ गोच ऑन द बद्रीनाथ इफ यू एवर है टुमारो मॉर्निंग एट फोर ओ क्लाक आफ्टर योर बाथ go to Alaknanda and sit at that rock which is at the edge almost on the edge sit there and do your mantra job while sitting on that place and he quickly said yes swamiji because the shishya was so ready to please his master so next morning 4 o'clock in Badrinath he takes his bath, goes to that place where the Guru had pointed out, spread out his mat, took the seat, and night time it's still night, it's still dark, and the Alaknanda river is gushing very forcefully and it's like a thundering sound. He took his seat. And big time fear comes. What if I slip? I'll fall down, nobody will know, and my body won't be even found. Oh. So he goes and takes the seat. He couldn't close his eyes for a little while. Now he is doing his japam with that great attention. And the mind is not thinking about anything because the mind has stopped thinking because the. if you if you are sitting at this place you cannot afford to go sleepy can you try it <laughs> come to me in december in the rishikesh shivir i'll take you there to that spot at badrinath and i'll point you some rocks also where you can sit and you have this first hand experience वट क्वाइटन्स द माइंड इज द ओनली वन थिंग डैट दैट गिवस यू दर्जेंसी हमें याद नहीं रहती है हम भूल जाते हैं इस बात को और पकड़ के बैठे रहते हैं चीजों को इसलिए चीजों के बारे में सोचते रहते रिश्तेदारों के बारे में सोचते रहते इसने ये कहा उसने यह कहा इसके बारे में फिक्र करते रहते हैं इसलिए वो भूल जाता है जिसको हम हमें नहीं भूलना चाहिए था सो दिस स्वामी जी हिज नेम वॉज स्वामी सर्वदानंद फ्रॉम परमार्थ आश्रम सो सेट दिस दैट मॉर्निंग वेन आई सेट देर एंड डिड माई एवरीडे जपम विच आई यूज टू डू बट दैट वॉज सो डिफरेंट आई वॉज सो अलर्ट सो अवेक so attentive i finished my jug and then when it was time you know to go back after my two and a half hours of sitting that is the minimum sitting which a, if you think you are a sadhak then this is the sitting timing which you should, you should have two and a half hours and while going back to his guru's place his mind was in so much of gratitude that what a way the master took to teach me a lifetime lesson he went to his master and prostrated in front of him and said today i have first time experienced what it means to do the sumiran my mind was in a shock and in a scare and in a fear initially, but as the mantra started going deeper and deeper and deeper, the fear went away, the scare went away, and instead of fear, there was calmness. And I was joyful. And thank you, Master, for giving this opportunity. हमारे मन के अंदर ये जो दौड़ भाग लगी रहती है ना पूरे समय वो इसलिए लगी रहती है क्योंकि हमें इसी चीज़ की फिक्र रहती है पैसे का सामान का रिश्तेदारों का चीज़ों का हम छोड़ नहीं पाते हैं उसको अपने दिमाग से ही नहीं निकाल पाते कई बार कई लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा मेरे लड़के को तो अकल ही नहीं है मैंने कहा आपके पास इतना टाइम था आज आपका लड़का पैंतीस साल का हो गया है पैंतीस साल में तुम उसे अकल नहीं दे सके तो अगले पैंतीस साल में भी नहीं आने वाली तो एक्सेप्ट कर लो कि तुमने एक नालायक को पैदा किया बोले ऐसे तो ना कहिए हमें कोशिश तो करनी चाहिए तो मैंने कहा वो तुम कर तो रहे हो ना कुछ हो भी तो नहीं रहा है मेरे बाद इसका क्या होगा मैंने कहा ऐसा है जब सिर पे पड़ती है ना कल सबको आ जाती है डोंट थिंक दैट यू आर स्मार्टर डोंट थिंक दैट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर हेड लेट योर चिल्ड्रन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेट देम मेक सम मिस्टेक्स ऑल्सो इट इज ओके टू मेक अ मिस्टेक डोंट बी दैट कॉशियस जब बच्चे को सिखाने का और ट्रेन करने का टाइम था अगर आपने उस समय उनको ट्रेन नहीं किया ठीक नहीं सिखाया है बड़े हो जाने के बाद वो सुनने वाले नहीं है आई थिंक सो उम्र बस वो 16 साल से पहले तक ही है, जब की है जबकि वो सुनेंगे उसके बाद नहीं वो सुनते किसी वो ना बाप की सुनेंगे ना माँ की सुनेंगे गुरु के पास तो कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे वो फिर तो कभी जिंदगी की मार पड़ेगी तभी कोई संत शरण जाए तो जाए या किसका कोई पूर्व का अच्छा कर्म जाग जाएगा तभी जाएगा नहीं तो फिर जा भी नहीं सकता मेरे बाद इनका क्या होगा मेरे बाद इनका क्या होगा मैंने कहा मुझे तो ये दिख रहा है कि तेरा क्या होगा तेरा क्या होगा जी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा क्या होगा मैं देख तू खुद से ही मोहब्बत नहीं करता और, और हम तुझसे मोहब्बत करते हैं इसलिए यह बात तुमको कह रहे हैं कि तुम पहले अपनी फिक्र तो करो स्ट्रेस स्किल्स डू यू नो दैट नो यू डोंट नो दैट एक्सक्यूज माय वर्ड्स मे बी वेन वी विल डाई ओनली देन यू विल नो डॉट नो स्ट्रेस स्किल्स आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो ब्लड टेस्ट में आ जाएगा दिख जाएगा आपका शुगर लेवल ज्यादा हो तो वो भी दिख जाएगा ब्लड टेस्ट करेंगे मालूम हो जाएगा आपका हार्ट बीट ज्यादा हो तो वो भी दिख जाएगा आपका हार्ट बीट कम है तो भी दिख जाएगा ब्रडी कार्डिया है टकी कार्ड या है वो मेजर हो जाता है इसी चीज से पता चलता है कहीं ट्यूमर कैंसर हो जाए तो एमआरआई से पता लग जाता है सी ए वन टू फाइव ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है स्ट्रेस कितना है ये कैसे पता चलता है बोलो है कोई मशीन अभी मेडिकल साइंस ने ऐसी मशीन ही नहीं बनाई है कैसे बनाएंगे वो आजकल बस इतना है कि जब तुम्हारा ईसीजी गड़बड़ आता है जब तुम्हारा बीपी ज्यादा आता है तब डॉक्टर भी कहने लग जाता है स्ट्रेस में बहुत रहते हो तो अनुमान लगा रहा है वो

तो जब रूटीन चेकअप में वो अपने जाती डॉक्टर के तो डॉक्टर कहते तो, तो, अरे इस बार तो बड़ा अच्छा आ रहा है सारा कुछ किसी और डॉक्टर के पास चली गई थी क्या <laughs> उसने कहा मालूम नहीं मैं उनको डॉक्टर कहूं या नहीं कहूं लेकिन जब से उनके पास जाना शुरू किया है उन्होंने कुछ यौगिक तरीके बताए मैं उसको कर रही हूं जब से कर रही हूं अच्छा महसूस कर रही हूं एनर्जी डाउन नहीं है नींद अच्छे से आ रही है निश्चिंत हूं फिक्र नहीं करते हूँ कोशिश करती हूँ कि सुमिरन करूँ। फिर ऐसा हुआ कि कुछ लंबा टाइम वो मेरे से मिल नहीं पाई शिविर में आ नहीं पाई आश्रम आ नहीं पाई फिर गई जब रूटीन चेकअप के लिए तो डॉक्टर कहता है गुरु माँ को मिल नहीं रहे क्या आजकल क्या आजकल आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं डॉक्टर पूछ रहा है। क्या आजकल प्राणायाम नहीं कर रहे हो तो उसने कहा पर आपको कैसे मालूम कहते वो ऐसे कि तेरी सारी रिपोर्टें खराब आई है अब <laughs> क्या हुआ तो बोले ये हो गया वो हो गया ये कारण हो गया वो कारण हो गया बैठना छूट गया घर में उलझ गई रिश्तेदारों में उलझ गई कहते देख तो फिर उसका नुकसान भी तो तुम्हें तो हो रहा